हेलो गाइस, जोहार, वेलकम टू आर्या बेग चैनल। और आज हम लोग हैं बागडोगरा एयरपोर्ट में और हम लोग जा रहे हैं बागडोगरा से बेंगलोर के लिए। तो चलो हम लोग चलते हैं। और सबसे पहले फ्लाइट में चढ़ने से पहले हमें बस में ले जाया जाता है क्योंकि फ्लाइट थोड़ी दूर में होती है। तो हम लोग ये बस के अंदर आ गए और आप बस के यहाँ से नज़ारा देख सकते हैं। बहुत सारा फ्लाइट खड़ा हुआ है और यहाँ पे एयर एशिया का फ्लाइट भी है और हम लोग जा रहे हैं स्पाइस जेट की फ्लाइट में क्योंकि हमें स्पाइस जेट का फ्लाइट का टिकट किया हूँ। तो चलो हम लोग चलते हैं। और हम लोग ये पहुंच गए फ्लाइट में चढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए लाइन लगे हैं फ्लाइट में चढ़ने के लिए और आप ये देख सकते हैं अंदर का नज़ारा। आप खिड़की से भी देख सकते हैं बाहर का नज़ारा। तो ये देखिए तो हो गई है स्टार्ट टेकअप के लिए। अभी ये फ्लाइट धीरे धीरे अपनी रफ्तार को बढ़ाएगी ताकि आसानी से टेकअप हो सके। तो देखिए ये धीरे धीरे अपना रफ्तार बढ़ा रही है। आप ये देख सकते हैं फ्लाइट टेकअप हो गई और आप ये ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं। ये बागडोगरा सिलीगुड़ी है तो ऊपर से कितने छोटे छोटे नज़र में आ रहे हैं और देखने में क्या अद्भुत नज़ारा है। और ये बादलों के बीचों बीच चला जाएगा जो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो बस हम लोग चलते हैं और आप भी मज़ा लीजिए। हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग एक ही घंटा में बागडोगरा से कलकत्ता पहुंच गए। और ये आप देख सकते हैं ऊपर से नज़ारा और ये सारा कलकत्ता है। ऊपर से हम लोग को कलकत्ता किस तरीका से दिखाई दे रहा है आप भी देख सकते हैं। और ये आप मज़ा लीजिए ऊपर का नज़ारा कलकत्ता का। तो आप ये देख सकते हैं कलकत्ता का एयरपोर्ट और हम लोग लैंडिंग के लिए जस्ट अभी ही तैयार हो गए। तो अभी किस तरीका से लैंडिंग होगा हम लोग इसे देखेंगे और बस हम लोग को ये जानकारी मिलेगा कि टेकअप एंड लैंडिंग में हम लोग को कैसा लगता है। तो चलिए देखते हैं।
तो हम लोग कलकत्ता पहुंच गए और आप देख सकते हैं सभी कोई अपना लगेज वगेज निकाल के उतरने के लिए रेडी हो गए हैं, तो हम लोग भी चलते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अपना लगेज वगेज को ले जाने के लिए गाड़ी मिलता है जिसे हम धक्का दे के आगे ले जा सकेंगे, तो हम लोग भी ले जाते हैं। छोटा ही बैग है पर हम लोग इसका फैसिलिटी ले लेते हैं क्योंकि पैसा हम लोग दिए हैं, तो चलो उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं सारा ये कलकत्ता एयरपोर्ट अंदर का है और यहाँ पे सब कोई अपना सामान लेने के लिए खड़े हैं और मैं अपना सामान नहीं ले सकता यहाँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट बेंगलोर में मिलेगा। तो चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये है कलकत्ता एयरपोर्ट अंदर का और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर पे सारा बंगला में लिखा हुआ है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल में खास करके बोला जाता है बंगला लैंग्वेज, तो इसीलिए बंगला में लिखा है। और चलो हम लोग फ्लाइट में चलते हैं। तो हम लोग फ्लाइट के अंदर आ गए हैं और आप ये देख सकते हैं सभी कोई अपना सीट नंबर ढूंढ रहे हैं बैठने के लिए। अब मैंने अपना सीट नंबर ढूंढ लिया है जो था 20B और ये देखिए फ्लाइट भी टेकअप के लिए स्टार्ट हो गई। ये रहा, हम लोग भी टेकअप कर लिए कलकत्ता से बेंगलोर के लिए और आप ये देख सकते हैं किस तरीके से नीचे का नज़ारा रात के टाइम पर दिखाई दे रहा है। ठीक से नहीं दिख रहा है क्योंकि ये प्लेन का विंग्स हम लोग के खिड़की के सामने ही है, फिर भी आप देख सकते हैं नीचे किस तरीका से ऐसा लग रहा है कि सारा तारा नीचे गिर गया। तो ये रहा हम लोग का देसी जुगाड़, हम लोग अपने साथ में लेके आए समोसा और ये लेस का चिप्स क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट के अंदर सभी चीज़ का प्राइस ज़्यादा है। तो ये है इंस्ट्रक्शन हम लोगों के बचाव के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग इस इंस्ट्रक्शन को पहले अच्छी से देख लें ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग लैंडिंग के लिए तैयार हो गए और ये है बेंगलोर का एयरपोर्ट। तो आप देख सकते हैं बेंगलोर का एयरपोर्ट रात के टाइम पे, ठीक से नहीं दिख रहा है पर क्या करें, अब रात को फ्लाइट है इसीलिए आप रात का नज़ारा भी देख रहे हैं।
तो हम लोग ये पहुंच गए बेंगलोर एयरपोर्ट। तो ये प्लेन का बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीका से दिखाई दे रहा है रात के टाइम। और हम लोग एयरपोर्ट बस में जाएंगे क्योंकि ये एयरपोर्ट थोड़ी दूर में ही पड़ती है। तो मुझसे ऐसे बने रहिए और प्यार देते रहिए, और आप लोगों के लिए मैं कुछ नया लेकर आता ही रहूँगा। तो बस बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।